सो आई होप गाइस इस वीडियो से आपको मेरी जो वॉइस है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर आ रही होगी कि इस काफ़ी टाइम हम सभी के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि हम लोग व्हाट्सएप की जो इंपॉर्टेंट चैट या मीडिया है उसे गलती से डिलीट कर देते हैं और जब हम उसे रिस्टोर करने जाते हैं तो वो प्रॉपरली रिस्टोर नहीं होता या जो रिस्टोरेशन का प्रोसेस है वो गलती से हमसे स्किप हो जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दूंगा, कैसे आप आपकी व्हाट्सएप की चैट्स को गूगल ड्राइव से आसानी से रिस्टोर कर सकते हो और यहाँ पे आप लोग आपकी सारी की सारी फाइल्स को आसानी से रिस्टोर कर सकते हो चाहे वो आपकी व्हाट्सएप चैट और मीडिया से डिलीट ही क्यों ना हो गया हो। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक देखना। इट्स मी सिद्धांत, यू वॉचिंग द क्रेजी स्क्रिप्ट चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। सो इस वीडियो में हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं टेनोशेयर अल्ट डेटा फॉर एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर का। इस सॉफ्टवेयर में आपको काफ़ी सारे डेटा रिकवरी के ऑप्शंस एंड फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। मैं आपको वन बाय वन सारे के सारे फीचर्स एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे कि रिकवर डिलीटेड फोटोज फ्रॉम एंड्रॉइड विदाउट रूट, रिस्टोर डिलीटेड व्हाट्सएप मैसेजेस ऑन एंड्रॉइड विदाउट बैकअप एंड रूट, डाउनलोड एंड व्यू व्हाट्सएप बैकअप फ्रॉम गूगल ड्राइव जो कि नया फीचर है, रिकवर व्हाट्सएप बिजनेस डेटा सच एज फोटोज वीडियोज एंड डॉक्यूमेंट, रिस्टोर लॉस्ट वीचैट मैसेजेस कॉन्टैक्ट फोटोज एक्सेट्रा फ्रॉम शाओमी एंड हुआवे डिवाइसेस। गाइस चाहो तो आप लोग इस सॉफ्टवेयर को बिल्कुल भी फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, चाहिए तो आप इसे बाय कर सकते हो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। गाइस ये जो सॉफ्टवेयर है विंडोज़ और मैक दोनों के लिए अवेलेबल है, आप लोग चेकआउट कर सकते हो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। और ये जो सॉफ्टवेयर है ये सभी डिवाइसेस में सपोर्ट करता है। अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो गाइस यहाँ पे आप लोग 1000+ डिलीटेड फोटोज को सिंगल सेकंड में रिकवर कर सकते हो। तो चलो अभी मैं आपको मेन ट्यूटोरियल दिखाता हूँ, इस सॉफ्टवेयर के फीचर्स बताता हूँ और सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। सो कि जैसे ही आप लोग इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके ओपन करोगे सबसे पहले आपको फीचर देखने को मिलेगा रिकवर व्हाट्सएप डेटा का, जहाँ पे आप लोग व्हाट्सएप के डिलीटेड डेटा को रिकवर कर सकते हो आपके एंड्रॉइड डिवाइस से वो भी विदाउट एनी रूट। फिर आपको फीचर देखने को मिलेगा रिकवर गूगल ड्राइव डेटा, जहाँ पे आप लोग गूगल ड्राइव पे जो बैकअप होता है उसे रिकवर कर सकते हो इंक्लूडिंग व्हाट्सएप डेटा को। उसके बाद नेक्स्ट फीचर है रिकवर लॉस्ट डेटा का, जहाँ पे आप लोग आपके कॉन्टैक्ट मैसेजेस कॉल लॉग फोटोज वीडियोज ऑडियोज डॉक्यूमेंट ये सारी चीज़ों को रिस्टोर कर सकते हो वो भी विदाउट रूट। फिर है रिकवर व्हाट्सएप बिजनेस डेटा, रिकवर वी चैट डेटा। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले कैसे आप आपके व्हाट्सएप के गूगल ड्राइव के जो बैकअप का डेटा है उसे रिस्टोर कर सकते हो। आपको सेकंड वाले फीचर पे क्लिक करना है, उसके बाद गाइज यहाँ पे आपको आपका गूगल ड्राइव वाला अकाउंट डाल देना है, उसका आईडी पासवर्ड डाल देना है। फिक्र मत करो, यही कम्प्लीटली सिक्योर है क्योंकि ये आपके गूगल ड्राइव से जो बैकअप है उसको रिस्टोर करके देगा आपके पीसी में, तो आपको आपका गूगल ड्राइव अकाउंट डालना ही पड़ेगा यहाँ पर। उसके बाद गाइज आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको टैप करना है रिकवर व्हाट्सएप डेटा वाले ऑप्शन पर, जो कि आपकी व्हाट्सएप का जो डेटा होगा गूगल ड्राइव पर उसे रिस्टोर करके देगा आपके पीसी पर। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है, उसके बाद गाइज यहाँ पे ना ये डीपली चीज़ों को स्कैन करना स्टार्ट कर देगा, आपका जो डेटा का बैकअप होगा वो आपको यहाँ पर दिखा देगा। अब बस गाइज आपको टैप करना है डाउनलोड वाले ऑप्शन पे जो आपको नीचे की तरफ देखने को मिल जाएगा। और गाइज जैसे ही आप लोग यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन पे टैप करोगे यहाँ पे आपको एक पॉपअप आएगा कि आपका जो व्हाट्सएप नंबर है वो कौन सा है और आपको यहाँ पे आपके व्हाट्सएप जो डिवाइस है उसे टू स्टेप वेरिफिकेशन को टर्न ऑफ करना पड़ेगा। तो आपको सिंपली आपके डिवाइस में जाना है, व्हाट्सएप पे जाना है, सेटिंग में जाना है, अकाउंट में जाना है, उसके बाद गाइस आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन वाला जो फीचर होगा उसको आपको सिंपली डिसेबल या फिर टर्न ऑफ कर देना है यहाँ से आपके डिवाइस में जाकर। फिर आपको वापस इस सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है, टैप करना है ओके पे, फिर टैप करना है यहाँ पर डाउनलोड पे और यहाँ पर जो आपका डेटा होगा वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये डेटा डाउनलोड होने में टाइम लग सकता है अगर आपका डेटा बहुत ज़्यादा है, उसमें मीडिया बहुत ज़्यादा है, फाइल से ऑडियो से सब कुछ डाउनलोड करके देगा, जो भी आपका यहाँ पर लॉस्ट हुआ रहेगा डिलीट हुआ रहेगा या तो आपका जो सारा का सारा गूगल ड्राइव पे बैकअप होगा वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डाउनलोड करके दे देगा। तो गाइस जैसे ही यहाँ पर डाउनलोडिंग कंप्लीट हो जाती है आपको यहाँ पे आपका जो व्हाट्सएप अकाउंट है उसे वेरीफाई करना पड़ेगा। आपको आपका व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, आपको सिंपली टैप करना है वेरीफाई पे और आपके फ़ोन पर एक ओटीपी आएगा या कॉल आएगा, आपको जो ओटीपी या कॉल में नंबर बताया जाएगा आपको वो नंबर जो यहाँ पर डालना है, जैसे आप व्हाट्सएप का वेरीफिकेशन कोड वाला सीन करते हो ये वही है। तो गाइस यहाँ पर बस आपको वो जो नंबर आता है वो नंबर आपको सिंपली यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको टैप करना है सिंपली वेरीफाई पर। सो गाइस जैसे ही आप लोग टैप करते हो वेरीफाई पर आपके व्हाट्सएप पर जितने भी कॉन्टैक्ट्स होंगे उनकी जितनी भी चैट्स होगी आपका जितना भी मीडिया होगा सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर रिकवर होकर विद इन अ सेकेंड आपको देखने को मिल जाएगी। देखो आप लोग यहाँ पर ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पर आपको सारी की सारी चैट, सारा का सारा मीडिया, ऑडियो फाइल, जेफ, स्टिकर्स सब कुछ देखने को मिल जाएगा। अब जो भी आपको रिकवर करना है, जो भी चैट रिकवर करनी है, जो भी मीडिया रिकवर करना है, आपको सिंपली उसे सिलेक्ट करते जाना है। यहाँ पे गाइज आप लोग देख सकते हो इतनी सारी चीज़ें, मतलब लिटरली 1 GB की जो मेरी फाइल थी व्हाट्सएप की वो सारी की सारी रिकवर होकर यहाँ पर इन्होंने दिखा दिया है। चाहिए तो हम इससे सारी चीज़ों को रिस्टोर कर सकते हैं, चाहिए तो कुछ सिलेक्टेड चीज़ों को रिस्टोर कर सकते हैं। अब मैं डेमो के लिए आपको कुछ चीज़ें रिस्टोर करके बताता हूँ, जैसे कि मुझे ये चैट रिस्टोर करनी है तो आपको सिंपली उस चैट पर टिक करना है
और जो भी आपको यहाँ पे आपके वॉलपेपर्स होंगे, जो भी इमेजेस होगी, कोई भी फाइल्स होगी, बस उसके ऊपर टिक करना है और नीचे रिकवर वाले ऑप्शन पे टैप करना है। और जैसे ही आप रिकवर वाले ऑप्शन पे टैप करोगे गाइस, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कि आपको ये सारी चीज़ें कौन से फोल्डर में सेव करनी है, कहाँ पर सेव करनी है रिकवर करके। तो हम बेसिकली यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हैं। बस यही सिंपल स्टेप को यूज़ करके आप आपके व्हाट्सएप के डेटा को रिस्टोर कर सकते हो, चाहे आपने रिस्टोर वाले ऑप्शन को स्किप कर दिया हो, चाहे डेटा को डिलीट ही क्यों ना कर दिया हो। सो आई होप गाइज आपको आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करना, और अगर आप अपनी सॉफ्टवेयर को ट्राई आउट करना चाहते हो तो लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कभी आपके दोस्त आपसे पूछते भाई व्हाट्सएप की चैट को रिस्टोर कैसे करें गलती से वो स्किप हो गया तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। मैं तो बोलता हूँ अपने सारे दोस्तों के साथ अभी इस वीडियो को शेयर कर दो। बिहाइंड द सीन्स एंड अपडेट्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम टेलीग्राम हर जगह पे है आपका भाई। मैं आपसे मिलूंगा ऐसी और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। टिल देन दिस इज क्रिस जिसके एंड आई एम साइनिंग ऑफ।